अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। कैसे मौत हुई है? लाइट से। क्या उस मौके पर आप लोग कहाँ गए थे? सब तो हटे थे, सो रहे थे, सब सो रहे थे। अभी वो रहे घर में हटे, हमारे ना हटे थे। गांव में कई जगह करंट फैली साहब, कई जगह आग लगी, हर डीजे डबलियां बढ़ गई और डीपी की लगा आग लग गई, बढ़ गई कंजन को हाथन में करंट लग गया। कितने लोग घायल हुए हैं आपके गांव में? गांव में तीन चार चार पांच जनन खो लगो, एक बड़ी ठाकी बहू खो लगो और एक दो पुरुषन खो लगो, एक पंडित की लड़का खो लगो, एक कुशवाहा की घुमाई समाज की कुशवाहा की बच्चा खो लगो, हाथ में सुबह दवाई वाई करावेगा। कुछ सुनवाई नहीं हुई, छोटी सी डीपी रख देते हैं और क्या 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 परेशान हो गए, कोई सुनता नहीं। कभी लाइनमैन चेक करने के लिए आता है यार? नहीं, कभी नहीं आता है, बोलता है कि टाइम नहीं है, हमारे पास लड़के नहीं हैं, और बस ऐसे टाल देते हैं। यहाँ पर देखो आप, पूरे ताल टूटे डरे। कभी कोई यहाँ ट्रांसफर रखने नहीं आया, प्राइवेट लोग यहाँ का क्रियावारी का एक लड़का है, उससे 150 रुपए में गाँव वाली चंदा दे देते है और वो रख जाता है। एक साल हो गई सर, कम से कम तुम जे मान लो 20 बार तो सूचित जैसा आप कर चुके हैं, लेकिन वे सुनते ही नहीं। 25-25 की डीपी रखवा देते, 8 दिन एक हफ्ता नहीं चलती है, बार बार बढ़ जाती है। विद्युत विभाग में मैं 3 बारी चक्कर काट चुकी हूँ और जे साहब नहीं मिले हैं। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से ये हादसा हुआ है हमारे गांव में, जिसमें ना तो कभी लाइनमैन चेक करने के लिए आता है। हम लोग एक साल से मांग कर रहे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं।